अभी नहीं दिखा रहे। ये कोकोनट ऑयल है, इसे हम बाबा रामदेव जी ने जो बोला था तेल बनाने के लिए उसमें हम यूज में लेंगे। 200 ग्राम कोकोनट ऑयल है ये। हम इसे पहले पिघला ले रहे हैं, पूरा गरम कर ले रहे हैं। फिर इसमें हम भीड़ का छत्ता मिलाएंगे, वो येलो बीज और गूलर के पत्तों का रस, जिसे हमने मिक्सी में पहले से ही ग्राइंड कर लिया है। इसके बाद हम इसे निचोड़ के निकाल के उसमें डाल देंगे। दोस्तों ये है येलो बीज का छत्ता, बीरड़ का छत्ता। ये हमें इसमें डालना है और इसे इसमें अच्छे तरीके से पकाना है। ये बहुत ही मुश्किल से मिलता है, आपको तो पता ही होगा, ये ज़्यादातर शहरों में तो कम ही होता है, ये रूरल एरियाज में मिलता है। तो मुझे भी मिल गया ये, तो अब मैं इसे इसमें डालूंगा और थोड़ी देर के लिए पकाऊंगा। अभी मेरा तेल थोड़ी देर के लिए मैंने इसमें रखा है, गर्म हो रहा है। उसके बाद फिर मैं इसमें ये बीरड़ का छत्ता और इसका रस, गूलर के पत्तों का रस मैं निचोड़ के इसमें डाल दूंगा और इसे मैं अच्छे से पकाऊंगा। ऐसे आराम से इसमें छोड़ दीजिए पकने के लिए, तोड़ दीजिए क्योंकि ये बहुत बड़ा है, आएगा नहीं। इसमें इस तरह से डाल दूंगा, एक को बड़ा ही डाल देते इसमें, इस तरह से इसमें पकने के लिए छोड़ दीजिए। अभी मैंने इसमें गूलर के पत्ते को रस को मिक्स कर दिया है और अभी ये धीमी आंच पे बिल्कुल पक रहा है। इसे ऐसे ही आधे घंटे तक, एक घंटे तक पकाएं, जब तक ये येलो बीज का छत्ता टुकड़े टुकड़े ना हो जाए और ब्लैक सा ना हो जाए, तब तक इस तेल में इसी को पकाना है। उसके बाद फिर इसे निकाल लीजिए और किसी ढक्कन में, मतलब जिसमें से आप लगा सकें, उसे इसमें छान करके रख लीजिए और इसे लगाइए सुबह और शाम। उसके बाद चेंजेस देखिए, 100% ये आपको असर करेगा।